हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस तो हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे बायोलॉजी की ऑफ क्लास इलेवन तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर थर्ड द किंगडम प्लांटे ओके किंगडम्स कर रहे थे हम लोग तो so, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखी थी सेकेंड चैप्टर में और अब हम लोग उनको अच्छे से पढ़ेंगे आगे डिटेल में तो so, सबसे पहले किंगडम प्लांटे सो इस किंगडम में सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे कौन से मल्टी सेलुलर और फोटो ऑटोट्रॉपिक्स यानी कि वो वाले जो कि एक तो एक सेल से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं और दूसरा वो अपना खाना खुद बना रहे हैं कि okay? फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना खुद बना रहे हैं दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स

प्लांट टर्म हम लोग मोस्टली कॉमनली अगर हम लोग इसको यूज़ करें तो इसको यूज़ किया जाता है लैंड ऑटोट्रॉप्स के लिए यानी कि जो हम लोग आम आ, अपने कॉन्टिनेंट्स पर बड़े बड़े पेड़ देखते हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्ला, आ, प्लांट है ना ये टर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट वो हम लोग उन्हीं के लिए यूज़ कर रही हैं लेकिन किंगडम में हमारे पास एल्गीज़ भी आ रही हैं है, है ना सब कुछ आ रहा है सिर्फ वो बड़े बड़े ही नहीं आ रहे और इन प्लांट्स में क्या होती है इन प्लांट्स में अलग से स्टेम होती है लीफ होती है रूट होती है लेकिन एल्गी में तो ऐसा नहीं होता है ना एल्गी में तो ना कोई रूट root, रूट्स आपको फिर भी देखने को मिल जाएंगे लेकिन स्टेम लीव्स ये सब आपको नहीं देखने को मिलेगा रूट्स और में एल्गीज में है ना देन जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थी उसमें रिलायंस ने क्या किया था उसने जो फ्लारिंग प्लांट्स थे उसको 23 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे उसको लेस क्रिप्टोगैमिया में यानी कि इन दोनों को अलग अलग से उसने क्लासीफाई कर दिया था देन कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास इनके द किंगडम इंक्लूड्स द यो ऑर्गेनिजम्स तो जितने भी इसमें हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होंगे किंगडम प्लांट में वो सारे के सारे क्या होंगे यो ऑर्गेनिजम्स देन द ऑर्गेनिज्म आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट सम लोअर वन तो सभी के सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं वो हमारे पास वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक सेल से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं लेकिन हो सकता है कुछ लोअर वंस ऐसे हों जो कि यूनी सेलुलर हों देन दे आर फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑटो ऑटोफोटोट्रॉप्स हैं सभी के सभी सब में फोटोसिंथेसिस होती है तो सबके सब ये क्या हैं फोटोसिंथेटिक हो सकता है कुछ बहुत ऐसे कम होंगे इनमें लेकिन हो सकती है जो कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होंगे उन वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे होंगे हेट्रोट्रॉपिक प्रोसीजर के थ्रू यानी कि वो अपना खाना खुद से नहीं बना रहे होंगे वो किसी और पर डिपेंड कर रहे होंगे अपने खाने के लिए देन इन, इनके सेल में होता है हमारे पास प्लास्ट प्लास्टिक्स देन द दे सेल्स आर कवर विद द सेल वॉल जितने भी सेल होंगे इसमें वो सब के सब क्या होंगे वो सब के सब जैसे मान लो ये सेल है तो इसके एक बाहर से सेल वॉल भी रहेगी जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगी और सेल वॉल किससे बनी होगी सेलुलॉस से देन इसमें एक सेंट्रल वैक्यूल भी देखने को मिलता है जैसे, जो हमारे पास होते हैं एनिमल सेल होता है जैसे ये तो इसमें एक इस तरह से बड़ा सा बड़ा सा वैक, वैक्यूल भी आपको देखने को मिलेगा ओके लोकोमोशन इनमें एबसेंट होती है यानी कि लोकोमोशन बिल्कुल नहीं होती पेड़ों को चलते देखा क्या कभी नहीं ना तो इसलिए इनमें लोकोमोशन बिल्कुल नहीं होती हो सकता है बहुत जो लोअर फॉर्म्स हैं उनमें हो वो हो सकता है कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हो जैसे एल्गी देख लो तो वो आपको पानी पर मिलेगी तो पानी के फ्लो के साथ वो भी मूव कर जाएगी है ना तो हो सकता है बहुत जो लोअर फॉर्म्स हो उनमें हम लोगों को लोकोमोशन देखने को मिले लेकिन जो हमारे पास बड़े प्लांट्स हैं उनमें तो आप लोगों को बिल्कुल भी लोकोमोशन देखने को नहीं मिलेगी देन द बॉडी फॉर्म इज़ इरेगुलर तो बॉडी फॉर्म बिल्कुल से इरेगुलर है कितने सारे इसके कई बार तो नीचे से एक स्टेम निकल रहा होता है रूट्स में से और ऊपर जा कर के दो तीन स्टेम बन जाती हैं या हो सकता है इसकी ब्रांचेस है ना ब्रांचेस पर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है बहुत इरेगुलर ब्रांचेस होती हैं इसके लीव्स इसके फ्लावर्स सब कुछ काफ़ी इरेगुलर होता है देन द ग्रोथ इज जर्नरली इनडेफिनेट ऑब्वियसली ये जो पेड़ होते हैं वो जितने समय तक रहते हैं जितना भी उनका लाइफ स्पैन रहता है वो पूरे लाइफ स्पैन में अपने बढ़ते चले जाते हैं तो उनकी ग्रोथ होती है हम लोगों के पास इनडेफिनेट ओके देन स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसीेशन अक्कर एक्सेप्ट इन सम लोअर फॉर्म्स तो स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसीशन भी हम लोगों को देखने को मिलेंगी दो प्लांट्स ले लो चलो नीम का आ, नीम के पौधे की बात कर लो तो दो नीम के पेड़ लगाए हमने लेकिन उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस तो देखने को मिलेंगे ऐसा तो नहीं है जितनी ब्रांचेस एक पेड़ की हैं उतनी ब्रांचेस दूसरे पेड़ की होंगी जितने लीव्स इस एक में हैं उतने ही बी में होंगे है ना तो इस वजह से क्या है कि हम लोगों को स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसीशन भी देखने को मिलता हो सकता है बहुत लोअर फॉर्म्स में ना देखने को मिले जैसे एलगी है उसमें हम लोगों को क्या ही देखने को मिल जाएगा डिफ्रेंसीशन हो सकता है बहुत हो उसमें भी डिफ्रेंसीशन लेकिन बहुत माइनर डिफ्रेंसीेशन होगा उनमें लेकिन जो हमारे पास बड़े पेड़ हैं उनमें तो हम लोगों को स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसीशन बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा होता है देन द हायर फॉर्म्स हैव वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स विद अ मैरी स्टेम्स तो जो हमारे पास हायर फॉर्म्स हैं जैसे बड़े पेड़ हैं उनकी ग्रोइंग पॉइंट्स हम लोग को अच्छे से पता है कौन से प्लांट सीड से होंगे कौन से जस्ट uh, एक ब्रांच से हो जाएंगे कौन से लीव से होंगे है you ना know? तो ये हम लोगों को पता होता है हायर फॉर्म्स में कि इनमें हम लोगों को ग्रोइंग पॉइंट कौन सा है इनका जैसे कईयों में बर्ड होता है है ना बर्ड्स हो जाते हैं वो फिर uh, कईयों को ऐसे रूट से निकाल लिया जाता है कईयों के सीड्स होती हैं तो इस तरह से और जो इनका फूड होता है ये उसको किस तरह से स्टोर करते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और इन द फॉर्म ऑफ फैट इसमें वो स्टोर करती हैं देन प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन लैंड एंड दे आर ऑल्सो दैन द प्लान आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन लैंड एंड दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स इन वाटर तो हम लोगों ने देखा प्लांट्स सबसे पहले फोडोसिंथिसिस के थ्रू हमारे पास फूड अपना जनरेट करते हैं खुद से फिर कुछ एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए और फिर कुछ एनिमल्स उन एनिमल्स पर अपने खाने के लिए डिपेंड कर रहे हैं जो कि प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं तो एक चें सी चली जाती है जैसे पहले हो गए प्लांट्स देन हर्ब्योर्स देन कानीवर्स देन सेकेंडरी कानीवर्स तो इस तरह से सबसे पहले लेकिन कौन आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है लैंड में प्राइमरी प्रोड्यूसर है प्लांट्स उसी तरह से मेरीन्स में भी हमारे पास प्लांट्स ही होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे आ, हमारे पास प्लैक्टर्नस होते हैं वो क्या है तो प्लांट्स ही है ना तो उनको वो किसका फूड होते हैं वो पहले तो अपना फूड खुद बनाते हैं फिर वो आगे फूड बन जाते हैं फिशेस का और स्मॉल फिशेस आगे फूड बन जाती हैं बड़ी फिशेस का तो मरीन में भी ये हमारे पास क्या है एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है वाटर में भी देन इट रिस्पॉस टू आर कंपेरेटिवली पुअर तो ये बाहर अपनी एक्सटर्नल स्टिमुलस इसका उसकी तरफ इसका रिस्पॉन्स बहुत पुअर होता है यानी कि अगर अगर मानो हम लोगों के हाथ को किसी ने खींचा तो हम लोग हाथ छुड़वा लेंगे अपना है ना किसी ने हमारे हाथ को तोड़ा मरोड़ा हम लोग को दर्द होगा हम लोग अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करेंगे उससे तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स एक्सटर्नली है ना हम लोग अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेंगे या मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया बाहर तो हम लोग क्या करेंगे पंखा चलाएंगे पंखे से बात नहीं बन रही तो एसी चलाएंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे है ना लेकिन ये नहीं करते इनका एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स बहुत कम होता है ये तो पंखे में नहीं रहते ये ए में नहीं रहते है ना इनकी ब्रांचेस को भी काटा जाता है ये तो अपनी ब्रांचेस नहीं छुड़वाते ना भाई छोड़ दो दर दो है तो इस तरह से इनका जो रिस्पॉन्स होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ वो बहुत ही कम होता है देन द रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू बोथ सेक्चुअली एंड दोनों तरह से हो सकती है इसमें एंड लोअर फॉर्म्स प्रोसेस स्पोर्स तो जो बहुत ज़्यादा लोअर फॉर्म्स होती हैं बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है उनमें हम लोगों के पास स्पोर्स के थ्रू होती है रिप्रोडक्शन और इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो वाली रिप्रोडक्शन होती है जिसमें मेल और फीमेल गमीज दोनों चाहिए लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ना तो हम लोगों को दोनों नहीं चाहिए एक से भी हो सकती है आगे रिप्रोडक्शन नाउ द एल्गी दे आर क्लोरोफिल बियरिंग नॉन वैस्कुलर एक्टिक फॉर्म्स विच प्रोसेस पोर्स फॉर अ सेक्शुअल मल्टीप्लीकेशन एंड नॉन जैकेट दिगिया फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट लैक एन एम्ब्रियो स्टेज तो ये कौन सी हैं ये नॉन वैस्कुलर एक्टिक फॉर्म्स होते हैं यानी नॉन वैस्कुलर यानी कि ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जिनमें जाइलम और फ्लोएम जाइलम और फ्लाइम क्या करते हैं एक हमारे पास फूड की सप्लाई करता है पूरे प्लांट को और दूसरा वाटर की सप्लाई तो वो इनमें अलग अलग नहीं मिलते एल्गी में ठीक है वेल well डिफाइंड नहीं होते और इनमें एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती एम्ब्रियो स्टेज वो वाली स्टेज होती है जब मदर अपने बच्चे को अपने वॉम में कैरी करती है ओके okay, तो इसमें ऐसी कोई भी स्टेज नहीं होती एम्ब्रियो स्टेज इसमें एबसेंट होती है और एल्गी इंक्लूड अंडर द किंगडम प्लांट ए बाय द विटकर विटकर की हम लोगों ने देखी थी क्लासिफिकेशन चैप्टर सेकेंड में उसमें हमारे पास क्या है क्लोरोफेस देन द फायोफेस रोडोफेस ये सब हम लोगों के पास क्या है ये सब के सब हमारे पास एल्गीज में इंक्लूड हो जाती हैं देन द क्लोरोफाइस क्लोरोफाइस आर द ग्रीन एल्गी एंड दे आर द ग्रीन एल्गी दैट ग्रो इन दी फ्रेश वाटर मेरीन एंड मॉइस्ट हैबिटेट्स तो हमारे पास जो क्लोरोफाइस है क्लोरोफाइस हमारे पास क्या है है तो ये ग्रीन एल्गी ओके okay? तो ग्रीन एल्गी मतलब फोटो ऑटोट्रॉप्स ये अपना खाना खुद से बनाएंगी तो ये हमारे पास ग्रो कहाँ करती है ये हमारे पास ग्रो करती है फ्रेश वाटर में मरीन वाटर में और मॉइस्ट हैबिटेट्स में आप लोगों ने देखा होगा जब चार पाँच दिन के लिए पानी एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसके ऊपर ना ग्रीनिश सी लेयर आनी शुरू हो जाती है वो क्या होती है वो होती है ग्रीन एल्गी देन ये हो सकता है एपिजॉइक हो एंडोजोइक हो या पैरासाइट हो एपिजोइक वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होते तो ये डेवलप करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बट नॉट इंटरनली एक्सटर्नली उनके ऊपर डिपेंड करते हैं देन एंडोजॉइक वो वाले होते हैं जो कि विद इन द एनिमल अपने आप को नरिश कर रहे हैं और अपने आप को ग्रो कर रही हैं। देन पैरासाइट्स जैसे ये एक्सटर्नली होंगे उनके ऊपर तो कुछ भी हो सकता है एपिजोइक होंगे एंडोजोइक होंगे या पैरासिटिक्स भी हो सकते हैं देन द स्ट्रक्चर इन वेरियस फेलेटे यूनिसेल नॉन फ्लैगरे कॉलोनी द कोनोसाइटिक फिल्मेन्नस बहुत सारे ठीक है स्ट्रक्चर में मतलब बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं कोई भी आप डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते कि इसमें हाँ एल्गी की यही स्ट्रक्चर होगी नहीं उसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं और जो इसके कॉलोनी होती हैं विद फिक्स्ड नंबर ऑफ़ सेल्स यानी कि कोई भी कॉलोनी उसके नंबर फिक्स्ड है नो सॉरी उसके सेल्स के नंबर फिक्स्ड है यानी कि इतने सेल नंबर ऑफ सेल्स ही एक कॉलोनी बनाएंगे उसको क्या बोल दिया जाता है उसको बोल दिया जाता है कोइनबियम और इसकी भी जो सेल वॉल होती है इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है टू प्रिजर्व देयर सेल्स ओके वो भी किससे बनी हुई होती है सेलुलोज से बनी हुई होती है ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें हम लोगों के पास क्लोरोफिल अल्फ़ा और क्लोरोफिल बीटा ये हम लोगों के पास होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्योंकि ये क्या है ये है फोटो ऑटो कैरोटीन्स भी होती हैं इसमें और एल्गीज में अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है और वो किसी किसकी हेल्प से होती है स्पोर्स डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स की हेल्प से इसमें हम लोगों को रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है देन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैन बी बाय आइसोगी तो आइसोगी में क्या होता है आइसोगी में फ्यूजन होता है मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली जो सिमिलर गैमीट्स होंगे जिसका साइज मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली जो सेम गैमीट्स होंगे उनसे उनके फ्यूजन से हम लोग के पास जो रिप्रोडक्शन होगी वो होगी आइसोगी देन फिजियोलॉजिकल एनिसोगी और एनिसोगी इसमें क्या होगा इसमें डिफरेंट साइज के गैमीट्स होंगे होलोगैमी में क्या होगा यंग यूनिसेल्स फंक्शनिंग्स एज गेमीट्स यानी कि इसमें क्या होगा इसमें जो यूनी सेल होंगे यानी कि एक सेल जो होगा जो बिल्कुल यंग अभी प्रोड्यूस हुए होंगे वो फंक्शन करेंगे एज अ गेमीट्स उनसे आगे रिप्रोडक्शन होगी एंड यो गैमी में क्या होगा उसमें फ्यूजन होगा नॉन मोटाइल फूड स्टोरिंग लार्जर फीमेल गेमीट एंड मोटाइल स्मॉलर नॉन फूड स्टोरिंग मेल गैमीट यानी कि जो फीमेल गैमीट होगा वो फूड स्टोर करेगा और जो मेल गैमीट होगा वो फूड को स्टोर नहीं करेगा लेकिन जो फीमेल गैमीट होगा वो नॉन मोटाइल होगा यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा लेकिन जो मेल गैमीट होगा वो मूव कर सकता है ओके देन द सर्टेन ग्रीन एल्गे कॉम्पोनेट ऑफ सीवेज ऑक्सीडेशन टैंक्स एंड सोर्स ऑफ फूड कॉलेरा प्रोड्यूस फूड रिच इन एंटीबायोटिक कोलोरे कॉलेरा कैन बी यूज इन प्रोलॉन्ग्ड स्पेस फाइट फॉर फूड ऑक्सीजन डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक मैटर तो ये सब प्रॉब्लम से भी हम लोग को छुटकारा मिल सकता है ग्रीन एलगी से ओके तो ग्रीन एलगी से हम लोग जो स्पेस में फाइट चल रही है फूड की ऑक्सीजन डिस्पोजल ऑफ सीओ टू ऑर्गेनिक मैटर स्पेस में इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं टैकल कर सकते हैं

तीन प्रकार के होते हैं सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रीन एल्गी ग्रीन एल्गी में तीन तरह के हम लोगों को थैलस देखने को मिलती है फर्स्ट इज दी वोल्वोसाइन सेकेंड इज दी क्लोरोकोकाइन एंड थर्ड इज द टेट्रोस्पोटलाइन ओके तो सबसे पहले देखते हैं द वोल्वसाइन एल्गी ये एल्गी में जो थैलस इज अ मोटाइल यूनिसेल मल्टी सेलुलर कॉलोनी तो इसमें क्या होगा ये सारी की सारी कॉलोनी जो बनेगी यूनिसेल्स की होगी यानी के वो जीव जंतुओं से बनी हुई होगी जो कि एक सेल से बने हुए हैं और ये एक सेल से बने हुए जीव जंतु इकट्ठे होकर के बहुत सारे मल्टी सेलुलर कॉलोनी बना देंगे यानी कि जो कॉलोनी बने बनेगी वो तो यूनी सेलुलर नहीं होगी उसमें तो एक ही सेल नहीं होगा उसमें तो नंबर ऑफ सेल्स आ गए तो यूनिसेल्स की एक मल्टी सेलुलर कॉलोनी बनेगी हमारे पास और इसका साइज़ भी काफ़ी वेरी करता जाएगा ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर साइज ही रहेगा नहीं इसका साइज़ भी वेरी करता जाएगा और टाइम के साथ साथ हम लोगों को इसमें प्रोग्रेसिव रिडक्शन देखने को मिलेगी इन द नंबर ऑफ़ रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है उनमें कमी आती जाएगी देन द क्लोरोकोकाइन लाइन इसमें जो वेजिटेटिव फेज होगा वो बिल्कुल ही नॉन मोटाइल होगा यानी कि इसमें वेजिटेटिव फेज में आप लोगों को मोबिलिटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी एंड द सेल डिवीजन अकर्स ओनली इन कनेक्शन विद रिप्रोडक्शन जब भी इसमें सेल डिवीजन होगी तो वो क्या करेगी वो करेगी रिप्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट अ वॉल फॉर्मेशन रिजल्टेड इन अ साइनोसिटिक थैलस इसमें क्या होगा जब बिना किसी वॉल फॉर्मेशन के होगी तो नंबर ऑफ डिविजन हो जाएंगे और नंबर ऑफ डिविजन की वजह से हम लोगों के पास थैलिस जो है वो सोइनोसिटिक बन जाएगा। द स्पोटरीन लाइन इसमें भी वेजिटेटिव फेस जो होगी वो बिल्कुल ही नॉन मोटाइल होगी डिवीजन होगी वो प्लेन एक प्लेन एक में होगी द डिवीजन इन वन प्लेन प्रोड्यूस फिलामेंट तो इसमें वो क्या प्रोड्यूस करेंगे इसमें वो प्रोड्यूस करेंगे एक फिलामेंट को ओके ब्रांच फिलामेंट डेवलप्ड पोस्ट्रेट एंड अपराइट पार्ट्स तो इसमें क्या होगा जो हमारे पास फिलामेंट्स होंगे जो ब्रांच फिलामेंट्स होंगे उसमें हम लोगों के पास जो प्लांट्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन uh, के लिए जो ऑर्गन होते हैं उनकी डेवलपमेंट होगी द वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनमें द प्रोस्ट्रेट और अपराइट पार्ट्स है जो अलग अलग होंगे उनको बोल दिया जाते हैं हेट्रो ट्रेकर्स ऑर्गेनाइजेशन ओके तो बस आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू